रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जा गिरे बरसात में पानी जैसे को। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पांचवी कक्षा के सातवें अध्याय जो विषय है गणपति और कुबेर, तो आओ हम गणपति और कुबेर के बारे में कुछ जानें। गणपति जिसे हम गणेश जी महाराज कहते हैं, जो अग्र पूजा के अधिकार है, सबसे पहले उनका पूजा प्रारंभ होते हैं, बाद में सभी देवताओं को पूजा किया जाता है, तो उन्हें जो कहा जाता है अग्र पूजा। और वो माता पार्वती और शिव के पुत्र थे। और कुबेर जिसे स्वर्ग में धन की देवता के रूप से माना जाता है, सबने धन की देवता के रूप में पहचानते हैं। तो गणपति और कुबेर ये जो अध्याय है, ये जो पाठ है, इसमें गणपति यानी गणेश जी महाराज ने कुबेर के जो घमंड था, वो घमंड को किस तरह खंड विखंड कर दिए, चूर चूर कर दिए, उसी विषय में थोड़ी सी आलोचना की गई है। तो गणपति जो शिव के पुत्र थे, पर थे बड़े बेड़ल, दिखने में थोड़ा अलग सा था, उनका शरीर नाटा और मोटा था, थोड़ा मोटा था और नाटा भी था। और जो सिर जो था, बच्चे आप सबको पता है हाथी का, जब भी चलते थे उनका जो सूंड था, सूंड हिलती थी, वे बड़े नटखट और हसौड़ थे, नटखट थे, चुलबुल थे और हसौड़, बहुत हंसाते थे। उन्हें दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता था, जो उनकी खातिरदारी नहीं करता तो मानो उनके नाक में वो दम कर देते, उनका जीना मुश्किल कर देते थे, ऐसे थे गणेश जी महाराज। और उनमें और एक विशेषता थी, वो विशेषता क्या है, वे भजन भट्ट थे, खाने में पूरा दिलचस्प थे, मस्त थे, बहुत खाया पिया करते थे। जब खाना शुरू करते तो आजू बाजू कुछ नहीं देखते थे, और लोग भी उन्हें बुलाकर बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया करते थे, वो भी बड़े प्यार से खाते थे, वो तो थे भजन भट्ट। तो कुबेर जो कि तीनों लोकों में सबसे अधिक धनी थे, मैंने कहा स्वर्ग में उन्हें धन की देवता माना जाता है, वे सबको दिखाना चाहते थे कि उनसे अधिक धन या संपत्ति पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, ये दिखाना चाहते थे। और लोग भी उनके पास सहायता के लिए जाते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि लोग मुझसे सहायता मांगने आए हैं। और ऐसे नहीं कि वो नहीं देते थे, मांगने वाले जो मांगते हैं उन्हें वो खूब दान दिया करते थे। तो अच्छे अच्छे
धनी मानी लोग उनसे मदद के लेने जाते थे और कुबेर उन सब की सहायता करते थे। सब लोग उनकी स्तुति भी किया करते, पूजा पाठ भी किया करते। तो अपनी प्रशंसा सुनकर कुबेर फूले ना समाते, बहुत खुश हो जाते थे कि तीनों लोग में लोग मेरा प्रशंसा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो वह बहुत खुश होते थे। तो अपना नाम करने के लिए आपके नाम, अपना नाम का यश बढ़ाने के लिए कुबेर बहुत सारे धन खर्च किया करते थे और उन्होंने विशाल महल और बड़े बड़े मंदिर बनवाए। वे बड़े बड़े उत्सव करते और शानदार भोज भी देते थे। राजा महाराजाओं को मूल्यवान उपहार भेजना, गरीबों को दान देना, ये सब कुबेर का मुख्य कार्य था। तो आश्चर्य ये था कि इतना खर्च करने पर भी उनका धन कम नहीं होते थे, बल्कि और बढ़ जाता था। ये तो अगर हम घर में जो धन संपत्ति अगर खर्च करें वो कम हो जाता है, पर उनका जो धन खर्च करने से और बढ़ जाता था, ये आश्चर्य की बात है। तो एक बार कुबेर ने सोचा कि स्वर्ग में देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रित किया जाए। स्वर्ग में जितने देवता हैं उनको वे भोजन देना चाहते थे निमंत्रित करके। और सब जानते हैं कि भगवान शिव कुबेर का इष्ट देवता है। इष्ट देवता, हम अपने घर में तो ऐसे में सारे देवताओं को पूजा करते हैं, उनमें भी एक देवता है जो कि हम बहुत सारे मानते हैं, जिसको हम इष्ट देवता कहते हैं। अगर कोई घर में सारे पूजा करने के बाद अगर ज्यादातर काली की पूजा करते तो वो काली का इष्ट भक्त है। कोई माता दुर्गा या पार्वती का पूजा करता है तो उनका इष्ट देवता दुर्गा है। कोई शिव का पूजा करता है, कोई कृष्ण का पूजा करता है, कोई विष्णु का पूजा करता है, तो सबका इष्ट देवता है। वैसे हमारा जो कुबेर जी थे उनका इष्ट देवता शिव थे, भगवान शिव भोलेनाथ। तो उनकी कृपा से ही वे इतने धनवान हो गए। उन्होंने भगवान शिव और उनके परिवार को निमंत्रण देने का संकल्प किया। किसने? कुबेर, कि इस भोजन में मेरा जो इष्ट देवता है उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। तो ये संकल्प करने के बाद, निश्चय करने के बाद, शिव को निमंत्रण देने के लिए कुबेर कैलाश पहुंचे, जो कि शिव का निवास स्थान है कैलाश। वही पहुंचे, शिव के दर्शन और स्तुति करने के पश्चात कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा कि महाप्रभु, आपने मुझ पर सदा कृपा की, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। ये सिर्फ आपकी वजह से, आपकी दया दृष्टि की वजह से, आपकी कृपा की वजह से मैं प्रत्येक अमीर गरीबी की सहायता करता हूं और चारों तरफ मेरा गुणगान भी हो रहा है। ये सारे के सारे आपकी कृपा का ही फल, जिसके कारण मैं आज प्रसिद्ध हूं। तो भगवान शिव ने कहा, ये तो मैं सुन चुका।
चुका हूं। जो आप बोल रहे हैं ये मैं पहले से सुन चुका हूं। अब ये बताओ कि तुम यहां आए किस लिए हो, किस कारण से यहां पर पधार है। तो कुबेर ने कहा, हे आदिदेव, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आप अपने परिवार तथा इष्ट मित्र, मतलब घर में आए जितने मित्र है, सबके सहित मेरे घर पधार कर भोजन ग्रहण करें। मैं सर्ग के जितने देवता हो सबके लिए भोजन के व्यवस्था करें। उस भोजन में आप और आपके परिवार शामिल, यही मेरे आग्रह। तो मैं आपके सम्मान में ऐसा भोज देना चाहता हूं कि जैसा ना कभी सुना गया हो और ना देखा गया हो। यहीं पे थोड़ा घमंड की बात आ गई है ना। अभी तक तो उनकी बात ठीक थी, पर ये जो बात कह दी थोड़ा घमंड की बात जैसी होगी कि मैं ऐसा वोट दूंगा। भगवान शिव को कह रही है, भगवान शिव को ये कह रहा है कि मैं ऐसा भोज देना चाहता हूं कि जैसा ना कभी सुना गया हो और ना देखा गया। तो कुबेर की बात सुनकर भोलेनाथ ने बोले, भगवान शिव ने बोले, बच, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेरा उम्र घट गई, खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता, मेरा उम्र घट चुका है। तो कुबेर ने गिड़गिड़ा कर कहा, क्या कहा, ऐसा अनर्थ ना कीजिए प्रभु, मेरा दिल ना तोड़िए, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए इतनी दूर से आया हूं। यदि आप सचमुच नहीं आ सकते तो कम से कम देवी पार्वती और बच्चों को अनुमति दे दीजिए कि वो लोग मेरे घर आए और भजन करें। तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हंसते हुए बोले, मैं नहीं जाऊंगा तो देवी पार्वती भी नहीं जाएगी, देवी पार्वती मेरे बगैर भोजन करने नहीं जाएगी। ये सुनकर कुबेर बहुत निराश हो गए, बहुत दूर से आए कैलाश में और वो अपने आदिदेव इष्ट देवता को ऐसा भोजन देना चाहते थे कि ना कोई देखा होगा और ना कोई सुना होगा। तो जब शिव ने जाने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और माता पार्वती भी नहीं जाएगी, तो कुबेर बहुत निराश हो गए, मन में दुख आ गया, वे शिव के चरण पर गिर पड़े और बोले, ऐसा अनर्थ ना करो महाप्रभु, ऐसा अनर्थ ना करो, सब जानते कि मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, सारे देवता को ये मालूम हो गया, ये ज्ञात हो गया कि मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आपके ना पहुंचने पर मेरा बड़ा अपमान होगा, लोग कहेंगे कि शिव आपका इष्ट देवता है और आप उन्हें नहीं ला सके, तो ये मेरे लिए घोर अपमान है। वे सब यही समझते हैं कि आप मेरी कोई बात नहीं टालते, मैं जो भी बोलता हूं आप सुनते। तो भगवान शिव ने कहा, एक उपाय है मेरे पास, मेरे पास एक उपाय है, मैं अपने बेटे गणपति को भोज में भेज दूंगा। गणेश
जी महाराज, उनको मैं आपको भोज में भेज दूंगा। तो कुबेर को इसी पर संतोष करना पड़ा और गणपति की दावत का दिन तय करके कुबेर लौट गए। कब जाना है दावत, जो निमंत्रण में कब जाना है खाने के लिए, और दिन तय करके वो लौट गए। तो कुबेर ने इतने बड़े और शानदार भोज का आयोजन किया जो पहले ना कभी देखा गया था और ना सुना गया था। सचमुच इतना बड़ा भोज का आयोजन किया और ऐसे ऐसे पकवान का आयोजन किया जो कभी देखा गया था और ना सुना गया था। वो चाहता था कि आयोजन ऐसा हो कि लोग वाह वाह करें, उनको शाबाशी। तो खाना ऐसा स्वादिष्ट बने कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। उंगलियां कब चाटा जाता है? जब खाना ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट बने और चारों तरफ धूम मच जाए कि आयोजन की तैयारी शुरू होगी। हर प्रकार की अन्न, घी, साग सब्जी और मिठाइयां से जो भंडार घर जिसमें रखा जाता है वो भर दिए। कई तरह के अन्न, फिर घी, फिर साग सब्जी, फिर मिठाइयों, इन चीजों से पूरा भंडार घर भर दिए गए और ऐसी कोशिश की गई कि कहीं कोई कमी ना रहे। उसके बाद भोजन का निश्चित दिन आ गया। तीनों लोगों में जो देवी देवता है, राजा महाराजा है, उनके परिवार और इष्ट मित्र एक एक करके पहुंचने लगे। सुंदर कीमती वस्त्र और हीरे जवाहरात से आभूषण में सजे अतिथिगण पधारने लगे। कुबेर और उनके परिवार के लोग जो है द्वार पर खड़े उनका स्वागत कर रहे थे। सारे अतिथि पहुंच गए, बस गणपति की प्रतीक्षा थी कि कब वो आए। और नियत समय पर सही वक्त पर मुख्य अतिथि के रूप में गणपति भी पहुंच गए। गणेश जी महाराज आ गए और कुबेर महाराज ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। उनके मुख्य अतिथि थे शिव के पुत्र। तो पहुंचते ही गणपति ने बोले, गणेश जी महाराज बोले, मुझको भूख लगी है, भोजन कहाँ है? भोजन का कमरा तरह तरह भोजन सामग्री से भरा पड़ा था, चारों तरफ सुगंध फैली थी। एक तरफ थालियों में 56 प्रकार की व्यंजन, जो सब्जी होता है 56 प्रकार की व्यंजन परोसे हुए थे और दूसरी तरफ फल मेवे आदि रखे हुए थे। कई तरह के फल, मिठाइयां, 56 प्रकार व्यंजन, उसके साथ खाना सब परोसने लगे। कुबेर ने कहा, महाराज सब कुछ तैयार है, बस आपकी प्रतीक्षा थी। सब कुछ मैंने तैयार करके रखा, आपकी प्रतीक्षा में हम लोग हैं। तो गणपति आलती पालती मारकर जो पैरों में इधर इधर करके बैठते हैं, एक पैर इधर देकर एक पैर नीचे ऐसे काकड़ मार के बैठते हैं, आलती पालती मारकर बैठ गए और उन्होंने खाना शुरू किया। तो उस नन्हे देवता को, गणेश जी महाराज को, इतनी भूख लगी थी कि देखते ही देखते उन्होंने सामने परोसा भोजन सारे के सारे खा लिया। खत्म। तुरंत दोबारा भोजन परसा गया। गणपति उसको भी चट कर गए, वो भी खा गए। तीसरी बार सारी चीजें परस गई, पल भर में उनको भी सफाया कर गया। इधर भोजन सामग्री परसने लगी,
उधर वो सपाचक मतलब जल्द ही जल्द उसे साफ करने लगे। परसने वालों को आने जाने में भंडार घर में है, वहीं से लाना है फिर देना है, फिर जाना है फिर लाना है फिर देना है, ऐसे आने जाने में अगर देर हो जाती तो वो बिगड़ने लगते थे। क्या कर रही हो, जल्दी लाओ खाना, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट नहीं भर रही है। तो कुबेर ने जल्दी जल्दी परसने को हुक्म दिया, जो परस रहे थे दे रहे थे उनको, जल्दी जल्दी करो गणपति महाराज को भूख लगी है। तो उनको हुक्म दिया, रसोई घर और कमरे के बीच दौड़ते दौड़ते खाना लाते लाते परसने वालों को पैर दुखने लगे, लेकिन गणपति की भूख नहीं मिट रही थी। बड़ी तेजी से खाते खाते नन्हे देवता ने हजारों लोगों के लिए तैयार किया गया खाना अकेले खा डाला, अकेले चट कर डाला। जो खाना हजार लोगों के लिए बनाए गए थे गणेश जी महाराज अकेले उसे साफ कर दिए। फिर भी उनका भूख वैसे की वैसे ही रही। उनका भूख को कुबेर महाराज ने मिटा नहीं सका। कुबेर ने तुरंत और खाना पकाने की आज्ञा दी, जल्दी से खाना पकाओ और खाना बनाओ। लेकिन गणपति को देर कहां सही थी, उनको तो भूख लगी, बहुत सारी भूख, खाते खाते हजार लोगों की खाना वो खड़ा, फिर भी भूख लगी है और देर वो सहन नहीं कर पा रहे। वे अपनी जगह से उठे और जोर से बोले, चिल्ला कर बोले, मुझे भूख लगी है, तुरंत खाना लाओ। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा समय दीजिए, अभी गर्मा गर्म भजन तैयार हो जाता है, पर गणपति ने कुछ नहीं सुना, मैं समय नहीं दे सकता, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, जल्दी लाओ। वे दंडनाते हुए रसोई घर में गए, जहां पर कच्चा पक्का जो कुछ मिला वो सारे के सारे सब्जी खा गए। इस पर भी भूख नहीं मिटी तो भंडार घर पहुंचे, वहां रखी सारी चीजें वो खा गए। इस पर भी उनका पेट ना भरा तो कुबेर से बोले, मुझे कुछ और खाने को दो। रसोई घर में जो कच्चा पका था सारे के सारे खा गए, भंडार घर में वो चावल आदि जो कुछ रखा था वो भी खा गए, फिर भी गणपति की भूख नहीं मिटी। और कुबेर जी महाराज को जाकर बोला कि मुझको और खाने को दो। अभी कुबेर लाचार था, गणपति ने कुबेर से कहा, तुमने मुझे अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया था, तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया था, जब तुम्हारे पास मेरा पेट भरने को कुछ ही नहीं है तो निमंत्रण क्यों दिया, निमंत्रण ही क्यों दिया, तुम मेरा पेट भरा ही नहीं, मुझे बड़ी भूख लगी है, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा, तुमको खा जाऊंगा मैं। ये कहकर गणपति कुबेर की ओर लपके उन्हें पकड़ने लगे खाने के लिए, तो कुबेर डर गए और भागने लगे। ये क्यों हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, और डर के मरे भागने लगे, गणपति उनका पीछा करने लगे, आगे आगे कुबेर, पीछे पीछे गणेश जी महाराज। एक नियारा दृश्य, दोनों दौड़ते दौड़ते कैलाश जा पहुंचे, जहां शिव जी महाराज, शिव जी के पास गए। कुबेर शिव की शरण में पहुंचा, उनके पैरों में जाकर गिर गिराने लगे और चिल्लाने लगा, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ये कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। फिर शिव ने पूछा, क्या बात है, क्या बात है,
गणपति ने कहा, कुबेर ने मुझको भरपेट खाना नहीं खिलाया, मुझको भूख लगी। उन्होंने मुझे निमंत्रण किया, खाना दिया, मेरा पेट नहीं भरा। मुझे भरपेट खाना उन्होंने नहीं दिया, मुझे भूख लगी। तो शिव महाराज ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, तुम अंदर जाके अपनी माँ से खाना मांगो और माँ से खाना मांग के खा लो। और गणपति ये बात सुनकर वहां से चुपचाप चले गए खाना खाने के लिए। और कुबेर का जो घमंड था, धन का घमंड, कि सारे ब्रह्मांड में मुझ जैसा धनी व्यक्ति और कोई नहीं है, मेरे पास जितने धन संपत्ति हो किसी के पास नहीं है, ये जो घमंड था, ये घमंड हमेशा के लिए चूर चूर हो गया। और एक बात, दिए गए दान पर अभिमान कैसे, जो दान आप दूसरे को दे चुके हो उसमें अभिमान करना नहीं चाहिए कि ये दान मैंने उसको दिया है। तो यही शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये बढ़िया सा एक अध्याय है जो गणपति और कुबेर के अध्ययन से हमें प्राप्त होता है, मालूम होता है।